नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:43 तक रहेगी। आज रात 11:35 तक वरियान योग रहेगा, साथ ही आज देर रात 1:02 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 अक्टूबर की सुबह 6:06 से 9:41 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 अक्टूबर की सूर्योदय से सुबह 9:43 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 8:16 से दोपहर 2:21 तक और शाम 5:14 से शाम 6:49 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 नवंबर की सुबह 6:33 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अक्टूबर की सुबह 9:41 से 10:23 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त कल यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 8:16 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 8:16 से दोपहर 2:21 तक और फिर शाम 5:14 से रात 10:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 अक्टूबर की दोपहर 12:05 से दोपहर 2:21 तक और एक बार फिर शाम 5:14 से रात 10:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 अक्टूबर की सुबह 8:16 से दोपहर 2:21 तक और एक बार फिर शाम 5:14 से रात 10:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 26 अक्टूबर की शाम 4:51 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:18 से शाम 5:43 तक, मुंबई शाम 4:43 से 6:10 तक, चंडीगढ़ शाम 4:18 से 5:42 तक, लखनऊ शाम 4:05 से 5:30 तक, भोपाल शाम 4:21 से 5:47 तक, कोलकाता
दोपहर बाद 3:38 से 5:04 तक, अहमदाबाद शाम 4:41 से 6:06 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:17 से 5:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज नौकरी पाने के प्रयास सफल होंगे। परिजनों से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आज आपके कार्यों में किसी विशेष व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी। आज बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखें। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपके व्यापार की गति बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जो लोग मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपको अपनी मेहनत के कारण धन लाभ होगा। दुश्मन आज आपके प्रभाव से पस्त रहेंगे। आज आपको पारिवारिक सुख और शांति का लाभ मिलेगा। आज आप अपने जीवन साथी से मन की बात शेयर करेंगे। व्यापार को बढ़ाने में पिता का सहयोग मिलेगा। शाम को दोस्तों से फोन पर बात होगी जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आपकी गुम हुई पुरानी वस्तु आज वापस मिल जाएगी। आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करने में लाभ होगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा जिससे आप दोनों के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज दूसरों की बात भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपको लाभ मिलेगा। सामने आई समस्याओं को सुलझाने में आप सफल साबित होंगे। आज कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो राहु काल देखकर ही शुरुआत करें। इस राशि के लोगों को अपने जीवन साथी से आज बहुत सारा प्यार मिलेगा। बच्चे माता पिता के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। इस राशि के लोगों के जीवन में आ रही विवाह संबंधी समस्याएं आज खत्म हो जाएंगी। आज आपको मेहनत के अनुरूप ही सफलता हासिल होगी। आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अपने कार्यों में कामयाबी का परचम लहराएंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके टीचर्स आपको आज क्लास में सम्मानित करेंगे। आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे। अगर आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोच रहे हैं तो इससे आपको लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। आज वाहन की पार्किंग सेफ जगह पर ही करें। आज विरोधी भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। बच्चों का ज़्यादा समय आज सोशल मीडिया पर बीतेगा, अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर ध्यान दें। महिलाएं आज अपने घर के कामों में से जल्द ही फ्री हो जाएंगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने के लिए आप तैयार रहें। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ आज लंच का आनंद उठाएंगे। आप अपने भाई बहन को खुश करने के लिए उन्हें कोई गिफ्ट देंगे। आज व्यापार में बदलाव करने की भी सोच सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लें। लवमेट्स परिणय सूत्र में बंधने के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। घर के मामलों में दूसरों की राय लेने से बचें। आपकी मेहनत आज आपके जीवन में सफलता के रंग भर देगी। आज पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ समय बिताकर आपको अच्छा महसूस होगा। आज आप बिजनेस को बढ़ाने के नए तरीके सोचेंगे। सेहत के लिहाज से आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ होगा।
आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज मनोबल का स्तर अच्छा रहने के कारण आपके कार्य अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। आज बिजनेस में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी पहले से अच्छी बनेगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके और भाई के बीच किसी बात को लेकर चर्चा होगी। विद्युत उपकरण खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। आज अपनी कीमती वस्तु को संभाल कर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपको धन लाभ होगा। आज किसी अजनबी से बहस ना करें। पैसों के लेन देन के मामले में सोच समझ कर ही निर्णय लें। अपने ध्यान को केंद्रित कर काम को पूरा करने की कोशिश करें। आज जो भी चीज़ आपके लिए रुकावट बनती है उसे नज़रअंदाज करें। इस राशि के स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। नौकरी कर रहे लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। आज आपके कारोबार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ अधिक लगा रहेगा। मनोरंजन के लिए बनाया हुआ प्लान आज टल सकता है। आज आप घर में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। पैसों से जुड़ी समस्या आज समाप्त हो जाएगी। व्यवसाय से धन लाभ होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज आपकी सेहत में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आज आप नॉवेल पढ़कर अपना समय व्यतीत करेंगे। आज अपने जीवन साथी को गुलाब देंगे। साथी आपके व्यवहार से आपका जीवन साथी खुश रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों को आज ऑनलाइन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। आज आप अपने बढ़ते खर्च को रोकने का नया प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे जिससे बच्चे बहुत खुश होंगे। मूलांक 2, आज आप कम समय में ही बेहतर तरीके से अपना काम पूरा कर लेंगे। मूलांक 3, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखेंगे। मूलांक 4, आज ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। मूलांक 5, विद्यार्थी आज करियर में नया मुकाम हासिल करने में सफल होंगे। मूलांक 6, इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा है, प्रोजेक्ट का टीम हेड बनाया जाएगा। मूलांक 7, लेखकों को आज कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी जिससे समाज में नाम बढ़ेगा। मूलांक 8, बड़ों से सराहना मिलती रहेगी, आपके काम की गति और भी तेज होगी। मूलांक 9, आज आपको जीवन में नई नई खुशियों का आगमन होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा में फर्श के कलर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में फर्श पर काले रंग का पत्थर लगवाना चाहिए। इस दिशा में के अगर कुछ भाग में भी आप काले रंग का पत्थर लगवाएंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इससे परिवार को किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। सब निडर होकर अपना काम करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। आपको बता दूं कि उत्तर दिशा में काले रंग के फर्श का सबसे अधिक फायदा घर के मझले पुत्र को मिलता है, और शरीर में इसका सबसे अधिक फायदा हमारे कान को मिलता है। इससे हमारी सुनने की क्षमता मजबूत होती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उत्तर दिशा में फर्श के कलर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:43 तक रहेगी। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर व्रत का पालन किया जाता है। लिहाजा आज करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। याद दिला दूं कि आज चंद्रोदय 7:51 पर होगा। बाकी क्षितिज समय इसमें जोड़ लीजिए।
करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी जी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लिहाजा आज करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आज कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आज करवा चौथ के साथ ही संकट्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा का विधान है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आज करवा चौथ की पूजा के बारे में। आज पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी की मौली लपेट कर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज चार पूड़ी, चार लड्डू तीन अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पुए भी चढ़ाए जाते हैं। बता दूं कि आप अपनी परंपरा के अनुसार इन सब का चुनाव कर सकते हैं। आप देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। एक बार फिर से बता दूं कि आज चंद्रोदय शाम 7:51 पर होगा। तो ये थी आज करवा चौथ के पूजा की चर्चा और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:35 तक वरियान योग रहेगा। वरियान योग मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज देर रात 1:02 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वरियान योग और रोहिणी नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज करवा चौथ और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। आज एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफ़ेद का कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने प्यार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज सबसे पहले भोजपत्र पर केसर की स्याही से प्रेमवर्धक यंत्र बनाना चाहिए। प्रेमवर्धक यंत्र की फोटो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। एक बार फिर से बता दूं कि एक भोजपत्र लेकर उस पर केसर की स्याही से 9 खाने यानी 3 कॉलम में 3-3 खाने बनाने हैं। अब क्रम से पहले कॉलम में 21, 26 और 2, फिर दूसरे कॉलम में 28, 24 और 27 और तीसरे कॉलम में 23, 22 और 10 लिखिए। इस प्रकार आपको यंत्र बनाना है। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि न हो तो आप सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन से भी बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उस भोजपत्र या कागज़ को रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में जला लें। देखिए, जब हम आपसे कभी कहते हैं
कि भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध से बनाइए, और फिर ये कहते हैं कि न हो तो सफ़ेद सादे कागज और बना लीजिए, लाल स्केच पेन से बना लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भोजपत्र का की महिमा को कम कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप असमर्थ हैं, आप असहाय हैं। और इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि जब आप लाल स्केच पेन पर सादे कागज बनाते हैं तो इसको दिमाग में रखिएगा कि आप भोजपत्र पर नहीं बना रहे, अष्टगंध से नहीं बना रहे, अनार की कलम से नहीं बना, प्रोविजन वही है, लेकिन चूंकि आप असमर्थ हैं और असहाय हैं इसलिए हम ये प्रोविजन आपको देते हैं कि आप न करने से कुछ करना बेहतर है। तो आपको कुछ रिजल्ट ही मिलेगा, उसके इक्वल रिजल्ट पाने की कामना मत करिए। इक्वल रिजल्ट पाना है तो अब ये आदतें डालिए कि घर में भोजपत्र रहना चाहिए, घर में अनार की कलम रहनी चाहिए, अष्टगंध की स्याही रहनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें घर में रखना शुरू करिए। तो ये हमने आपको बताया कि इसको लपेट के दीपक में जला देना है, और दूसरी बार भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। इस तरह लगातार आपको 7 बार करना है, यानी यंत्र बनाया भोजपत्र या कागज में, उसकी बत्ती बनाई और फिर दीपक में जला दी, इस तरह 7 बार करना है। आज ये उपाय करने से पार्टनर के साथ आपके प्यार में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक पीले कपड़े की पोटली में एक पानी वाला जटादार नारियल और थोड़ा सा गुड़ देकर बांध दीजिए, और अपने पति के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बहते पानी में बहा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज गाय माता को रोली का तिलक लगाइए और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफ़ेद मोती की माला पहनें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही देवी माँ के मंदिर में श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज आपको पति आकर्षण यंत्र बनाकर उसे ताबीज़ में भरकर अपने पलंग के नीचे बांधना चाहिए। यंत्र की फ़ोटो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आज इस यंत्र के प्रभाव से आपका पति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज शिव जी और माँ गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज श्री गणेश भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं, साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहनें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज शिव गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं भी छुपा कर रखते हैं। आज के दिन ये उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से करवा चौथ के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी
नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद कर यकीन न करें, चीज़ों को अच्छे से परख लें। बी, आज बिजनेस में कोई नई डील साइन करेंगे जिससे भविष्य में फायदा होगा। सी, आज मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी जिससे माता पिता आपसे बेहद खुश होंगे। डी, आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है, आपको कोई नया काम करने का मौका मिलेगा। ई, आज आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, धन लाभ होने से मन प्रसन्न होगा। एफ, आपके जीवन में नयापन आएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। जी, रास्ते में जाते समय किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एच, आज ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा, समय से सभी काम पूरे होंगे। आई, आप जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। जे, आज बड़े बुजुर्गों की सलाह लाभदायक रहेगी, आपके सभी काम सफल होंगे। के, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, माता पिता के साथ मंदिर जा सकते हैं। एल, आज नई जिम्मेदारी मिलेगी, आप पूरी मेहनत से जिम्मेदारियों को निभाएंगे। एम, दिन बेहतर रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होने की संभावना है। एन, आज कार्य क्षमताओं से आप हर किसी को प्रभावित करने में सफल होंगे। ओ, आज पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, क्लाइंट से फायदा होगा। पी, आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे जिससे रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। क्यू, लेखकों का मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, नई रचना की शुरुआत करेंगे। आर, सिंगिंग में रुचि रखने वालों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर गाने का मौका मिलेगा। एस, कारोबार में आपको किसी से सुझाव मिल सकता है, आपकी प्रगति तय होगी। टी, आज समाज में लोगों के बीच आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी। यू, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वी, आज आपकी से मेहनत रंग लाएगी, आपको कोई बड़ा फायदा होगा। डब्ल्यू, आज पुराने दोस्त से मिलने से मन में खुशी होगी, डिनर का प्लान बनाएंगे। एक्स, आज आप अपने बच्चों को नई सीख देंगे जिसे वो अपनाएंगे। वाई, आज आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जेड, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा, आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन में भगवान कृष्ण के कई पुरातन मंदिर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन राधा रमण मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने सप्त देवालयों में से एक है। इन्हीं सातों पुरातन मंदिरों के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग को परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, जिसकी प्रदक्षिणा यहाँ आने वाले सारे भक्त करते हैं, सभी भक्त करते हैं। राधा रमण मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह अति सुंदर है। यहाँ भगवान के एक ही विग्रह को ही कृष्ण और राधा दोनों का स्वरूप माना जाता है, इसी कारण इन्हें राधा रमण कहा जाता है। लोग दूर दूर से मन को मोहने वाले राधा रमण जी के दर्शन करने आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। मूली चतुर्थी तिथि कल सुबह 5:43 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि 26 तारीख की सुबह 8:23 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, अतः कल सुबह 5:43 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद 26 तारीख की सुबह 8:23 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एहे हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सफ़ेद रूमाल जेब में रखें,
सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।